कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं, ये तो आधा डालिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो होती ही रहती हैं। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग काल का दूसरा पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। सेकेंड वीडियो ये होने वाला है और ये जो है टोटल व्याकरण का ये 22वां वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। ये जो है काल का आप लोग दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोग क्या देख हम लोग पहले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से हम लोग कवर कर चुके थे। हम लोग वर्तमान काल को देखे थे, उसके बाद वर्तमान काल से रिलेटेड जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको देखे थे, और भूतकाल के 6 प्रकार को हम लोग देख चुके थे। टोटल 6 हम लोग टाइप्स को हम लोग कवर कर चुके थे। और आज जो है इस वीडियो में ये जो है भूतकाल पास्ट टेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं, और उसके साथ साथ जो है फ्यूचर टेंस और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं और पूरे के मिलकर पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। हाँ तो देखिए हम लोग जो है हेतु हेतु मद भूतकाल तक हम लोग कवर कर चुके थे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, समझ चुके थे। अब इसके बाद जो इससे रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग समझने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाएं इसको पोस्टमार्टम करते हैं इसका और समझते हैं, देखते हैं। कह रहा है क्या कि लॉलीपॉप प्रश्न में देखना था क्या, क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्त होने का बोध उसे क्या कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्त होने का बोध होगा तो उसे भूतकाल, और क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के जारी होने का बोध होगा तो वर्तमान काल, और किसी भविष्य में किसी कार्य के करने का बोध होगा तो भविष्यत्काल। आने वाले समय में किसी कार्य के करने का बोध होगा तो उसे हम लोग भविष्यत्काल कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भूतकाल कितने प्रकार का होता है। तो भूतकाल टोटल 6 प्रकार का होता है, बिल्कुल ध्यान रखना है भाई साहब, ठीक है ना। अब भविष्यत्काल टोटल 5 प्रकार का, ये बात का बात है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है क्या, वे लोग खाए हैं किस काल का उदाहरण है। आप देखिए यहाँ पर या है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद रखिए, लेकिन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, जहाँ पर भी लास्ट पर लगा रहेगा उसको हम लोग क्या रखेंगे, आसन्न भूतकाल। मतलब ये कि क्रिया समाप्त हुआ लेकिन उसका असर समाप्त नहीं हुआ है। खा लिए हैं, खाने का काम समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भूख जो है मतलब पेट भरा हुआ है पूरा का पूरा, एकदम टस है, बात समझ गए नहीं। नेक्स्ट जो है करेक्ट है, रोहन के पिता खा चुके थे। अब देखिए अब उस समय में क्या थे, या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, बात समझ नहीं। जब इस तरह का कुछ लगा रहता था आसन भूतकाल, लेकिन या था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है हूँ हो की जगह पर चुका था मतलब था थे आ जाएगा तो उसे हम लोग रख देंगे पूर्ण भूतकाल। ये क्या रखेंगे, पूर्ण भूतकाल, ध्यान में हमेशा रखना है पूर्ण भूतकाल, जिसके लास्ट में चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे लगाया गया उसके पूर्ण भूतकाल, ठीक है ना। नेक्स्ट, जापान उस घटना को भूल गया होगा। देखिए यहाँ संभावना का बात किया जा रहा है, या होगा, ई होगी, ये होगी, बात समझ नहीं, चुका होंगी, चुके होंगे, चुके होगा, बात समझ नहीं। तो इस तरह का जब भी कोई होगा, होगी, होगा, होगा, या मतलब कि यहाँ पर लगा होगा, यहाँ पर जब भी होगा, होंगी, होगे, इस तरह का कोई वर्ड लगा होगा, और यहाँ पर बीते हुए समय का, बीते हुए घटना का बोध कराएगा, कार्य का बोध कराएगा, तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आपका संदिग्ध, क्योंकि यहाँ संभावना का बोध करा रहा है, अनुमान का बोध किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संदिग्ध भूतकाल, ठीक है ना। संदिग्ध वर्तमान काल मत मान लीजिएगा, ये हमारे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कर क्या, किस काल के अंतर्गत करण, ये करण नहीं होगा, कारण होगा, यानी यहाँ यहाँ का होगा, कारण होगा, ठीक है ना, कारण या प्रयोजन का बोध होता है, बात समझ के नहीं। यहाँ प्रयोजन का मतलब कोई प्लान, मतलब कि किसी एक ऐसा कार्य जो किसी दूसरे कार्य पर निर्भर होने की बात कहा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ कारण बताया जा रहा है, तो यहाँ पर जब भी इस तरह का होगा ना तो हेतु 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 मद, यहाँ भेद कहा जा रहा है भाई, हेतु हेतु मद होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल होगा, ठीक है ना, ये भेद आ जाता है, बराबर ये लिखा गया हुआ गलत टाइपिंग हो गया। तो हेतु हेतु मद में करण मतलब कारण या प्रयोजन पूछेगा तो हेतु हेतु मद में वो भूतकाल भी हो सकता है, भविष्यत्काल भी हो सकता है, ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट जो है, काल का शाब्दिक अर्थ समय होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मौत नहीं होता है। तो यहां तक तो समझ आ गया, ये था आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ जो कि आपको भूतकाल से रिलेटेड था, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है तो आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आई होप कि अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट समझ आते हैं, तो एग्जाम में नहीं क्वेश्चन पूछे, आप क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे कि एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो आप ज्यादा कोई टेंशन मत लीजिए, ज्यादा नॉर्मल रहिए आराम से, ठीक है ना, सब काम हो जाएगा और बवाल भी मचा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जो है भविष्य काल को देखते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि भविष्य काल किसे कहते हैं। देखिए कि जब क्रिया का वह रूप, बात समझ के नहीं, जिससे किसी कार्य को आने वाले समय में होने का बोध कराए, बात समझ के नहीं, मतलब वैसा कार्य जो किसी आने वाले समय में होने का बोध होता है, बात समझ के नहीं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आपको भविष्यत काल कहते हैं, उसे हम लोग भाई साहब भविष्यत काल कहते हैं। कह रहा है वे लोग घर जाएंगे, यानी गए नहीं है,
अभी जा भी नहीं रहे हैं, आने वाले समय का बात किया जा रहा है कि वो लोग आने वाले समय में घर जाएंगे। मैं चावल खाऊंगा, अभी खाया भी नहीं हूँ, खाऊं अभी खा भी नहीं रहा हूँ, आने वाले समय का बात किया जा रहा है कि हम बाद में खाएंगे। तो जब भी आने वाले समय का बोध कराया जाएगा, मतलब वो ऐसा क्रिया जिसके होने का जो बोध होगा वो आने वाले समय में होगा, तो उसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं। भाई साहब बिल्कुल टेंशन मुक्त। आगे देखिए, भविष्य काल को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया था, लेकिन भाई साहब भविष्य काल को मुख्य रूप से 5 भाग में बांट तो दिया गया, लेकिन 5 काल वास्तव में होना नहीं चाहिए। मतलब भविष्यत काल को हम लोग 5 भाग में बांट नहीं सकते अगर हम लॉजिक लगा के देखें तो भविष्यत काल का ओरिजिनली 3 पार्ट होता है, लेकिन किसी किसी बुक में 5 यानी 2 ये बढ़ा देता है। देखिए 3 पार्ट कैसे हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मली समझिए, कह रहा है कि सामान्य बोध कर, ऐसा हो सकता है कि हम आने वाले समय में किसी प्रयोजन को, किसी अपने प्लान को बता रहे हैं, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, वह जा मतलब कि वह जाएगा, सोएगा, इस तरह की बात बताया जा रहा है। नॉर्मल किसी सामान्य बात को, किसी सामान्य घटना की बात की जा रही है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग सामान्य भविष्य काल कहेंगे। संभाव्य में क्या होगा कि जैसे कल आए, मम्मी कल आए, वह पास हो जाए, मैं पास हो जाऊंगा, बात समझे कि नहीं, तो ये संभावना की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के संभाव्य, ये संभाव्य केवल जो होता है आपको भविष्यत काल में, संभावना केवल भविष्यत काल में हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ की हेतु हेतु मद काल, तो हेतु हेतु मद में क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है कि जब हम कोई भविष्य में हम एक ऐसे कार्य की बात करते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर हो, जैसे कि वह जाएगा तो मैं खाऊंगा, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, मतलब क्या है कि भविष्य में हम एक ऐसे कार्य की बात कर रहे हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर हो, जैसे वह आएगा तो मैं जाऊंगा, मतलब एक पहले आने की क्रिया होगा उसके बाद मैं जाऊंगा। तो यहाँ 2 क्रियाएं हैं, एक आने की क्रिया, मतलब एक क्रिया पहले होगी तब दूसरे हो, तब उसके बाद दूसरे के होने की संभावना है, बात समझ रहे। तो यहाँ 2 क्रियाएं हो रही है हेतु हेतु मद में, 2 क्रियाएं, एक जो होगा पहले होगा और उसके बाद उस पर दूसरे पर वो दूसरा जो क्रिया होगा वो डिपेंड होगा, उस पर निर्भर होगा, बात समझ नहीं। तो भविष्य भूतकाल में भी देखे थे कि हेतु हेतु मत, तो हेतु हेतु मत में दिमाग ही में रखना है कि 2 क्रियाएं होता है और 1 क्रिया दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा अपूर्ण भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल, ये तो हो ही नहीं सकता है, बात समझ नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर हम बोलते हैं पूर्ण, वह जाता रहेगा, वह खाता रहेगा, बात समझ गए। इस तरह हम आने वाले समय में हम किसी चीज़ को निश्चित कैसे कर सकते हैं, वह खाता रहेगा, वह जाता रहेगा, वह पढ़ता रहेगा, भविष्य में कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। पूर्ण, वह खा चुका रहेगा, मतलब वह खा चुकेगा, सॉरी रहेगा नहीं रहता है, वह खा चुकेगा, वे लोग पढ़ चुकेंगे, हम लोग जा चुकेंगे, हम भविष्य क्रिया को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ लोगों ने इसको भी डिवाइड किया हुआ है, लेकिन हम लोग को क्या जाता है, पढ़ लेना है, समझ लेना है थोड़ा सा। देखिए तरह के सामान्य भविष्य काल, देखिए सामान्य भविष्य काल में सामान्य क्रियाओं की आने वाले समय में होने का बोध होता है। करे क्या, क्रिया का वरूप जिसे किसी कार्य के भविष्य भविष्य यानी आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे ही हम लोग सामान्य भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये कि भविष्य में आने वाले समय में किसी सामान्य क्रिया के होने की जानकारी दी जाती है, जैसे वह खाएगा, पढ़ेगा, तुम लोग खेलोगे, इस तरह की सामान्य क्रियाएं नॉर्मल रहेंगी, ठीक है ना, जिसके लास्ट में बेसिकली गागे गी लगा रहता है। देखिए दूसरा कह रहा है कि संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल में संभावना का बोध होगा, ठीक है ना। संभावना यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, कि आने वाले समय में किसी चीज़ के होने की संभावना हो, किसी क्रिया के होने की संभावना, जैसे रोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, बात समझ गई। यहाँ पर हम लोग आस लगाए बैठे हुए हैं, संभावना जताए हुए हैं कि हो सकता है ऐसा, नहीं भी हो सकता है, शायद वह विजयी हो जाए, बात समझ रहे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से मतलब शक का बोध होगा, एक तरह से जो अपन संभावना का बोध होगा, ठीक है ना, कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं सफल हो जाऊंगा, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं सफल हो जाऊंगा, असफल भी हो सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह का संभावना का बोध होगा, उसे संभाव्य भविष्यकाल। दूसरा हम लोग समझते हैं हेतु हेतु मद भविष्यकाल, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भेद यहाँ पर कैसे हो जाता है यार, करेंगे यहाँ पर भी देखो हेतु हेतु मद भेद, ये भेद हुआ काट लेना सब लोग, हेतु हेतु मद भविष्यकाल, ठीक है ना। बहुत ही नॉर्मल बात है, इसमें 2 क्रियाएं होती हैं, 1 क्रिया किसी दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे कह रहा है यदि भविष्य में 1 क्रिया का होना किसी दूसरे पर निर्भर करे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। जैसे राम पढ़ेगा तो वह पास करेगा, रीता सोएगी तो जल्दी जगेगी, वह आएगा तो मैं खाऊंगा, बहुत ही नॉर्मल है, 1 क्रिया किसी दूसरे पर निर्भर होता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत, इसमें माथा पीछे करने की बात नहीं है, समझ जाइएगा। देखिए दूसरा क्या करें कि अपूर्ण भविष्यत काल, अभी जस्ट बताए ये हो नहीं सकता है, हम किसी भी क्रिया को आने वाले समय में मतलब कि हम लोग कन्फर्म नहीं कर सकते कि ऐसा होगा, ऐसा होता रहेगा या फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हम कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों चीज़ जो कन्फर्म करता है, इसीलिए ये थोड़ा सा जो है आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है, ये थोड़ा सा बहुत सारे जो है आपको जो व्याकरण के जानकार हैं
भाषा के जानकार है वो इनको नहीं रखते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, कह रहा है क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य में कोई कार्य भविष्य में जारी रहने का बोध कराएगा। अब भविष्य में जारी रहेगा कि नहीं रहेगा ये कैसे किया जा सकता है, ये भी तो हो सकता है कोई बड़ा घटना हो जाए वो चीज़ें नहीं हो पाए, ठीक है ना। जैसे कह रहा है कि राजू खाता रहेगा, क्या गारंटी है कि वह खाता ही रहेगा, सोता भी तो रह सकता है, ठीक है ना। वे लोग सोते रहेंगे, क्या गारंटी है सोते रहेंगे, जगे भी तो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना भाई साहब। तो ये भविष्य में चीज़ों को कन्फर्म बता रहा है जो गलत है, ठीक है ना। एक तरह से हम लोग खेलते रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर समझ जाइए। नेक्स्ट कह रहा है पूर्ण भविष्यत काल, ये तो साफा गलत है, ठीक है ना। कह रहा है क्रिया का जिस रूप से भविष्य में कोई कार्य पूर्ण होने का बोध हो, जैसे देखिए ना, वह पढ़ चुकेगा, वह खा चुकेगा, मतलब हम अभी एकदम पूरा एकदम भविष्यवाणी करके बैठे, वो खा जाए, वो खा चुकेगा, पढ़ चुकेगा, सफल हो चुकेगा, बड़ा आदमी बन चुका रहेगा, बस समझे नहीं। तो ये चीज़ें गलत है थोड़ा सा। तो दो चीज़ें दो तरह हम लोग देखें कि वह अगर हम लोग ओरिजिनली देखेंगे तो भविष्यत काल को तीन भाग में बांटा गया था। एक हम लोग सामान्य भविष्यत काल देखे थे, दूसरा हम लोग देखे थे संभाव्य भविष्यत काल, तीसरा हम लोग देखे थे हेतु हेतु मत भविष्यत काल। लेकिन दो को और बांटा गया, ठीक है ना, अलग अलग विद्वानों के द्वारा, जिसमें हम लोग रखे थे अपूर्ण भविष्यत काल और पूर्ण भविष्यत काल, ठीक है ना। लेकिन ये मैक्सिमम जगह पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखिए, इसको थोड़ा सा लॉलीपॉप क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए अब जो है कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। करेक्ट है, भविष्यत काल को कितने भागों में बांटा गया, तो भविष्यत काल को मुख्य रूप से पांच भागों में बांटा गया। अगर ये पांच नहीं देता है ऑप्शन में, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन में पांच और तीन दोनों दिया हो तो हम तो कहेंगे कि आप तीनें मारिए, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन में आपको क्या मारना है, भविष्यत काल को कितने भागों में बांटा गया, तो तीन भाग में। लेकिन ऑप्शन नहीं है तीन, अगर पाँच है तो पाँच मारिए, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यदि किसी क्रिया के किसी रूप से आने वाले समय में कार्य को होने की संभावना हो, तो कार्य की जब होने की संभावना होगा तो उसे हम लोग कहेंगे भविष्यत काल, भविष्यत काल कहेंगे, होने की संभावना है तो भविष्यत काल, ठीक है ना। कहे क्रिया के किस रूप से आने वाले कार्यों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो क्रिया के किस रूप से आने वाले कार्य को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, जाहिर सी बात है कि भविष्यत काल में आने वाले कार्यों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। एकदम बहुत ही दिमाग लगा कर आपको सोचना है कि यही ना एक काल का वह रूप है जिसमें हम आने वाले समय में किसी क्रिया के, मतलब कोई क्रिया हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हम सुनिश्चित नहीं, हम निश्चित नहीं करेंगे कि ये काम हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ था, घुमा कर पूछा हुआ है भाई साहब। नेक्स्ट कहा कर रहा है कि माँ कल आ जाए, तो यहाँ पर संभावना की बात किया जा रहा है कि आ जाए, यानी आने वाले समय में किसी संभावना की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि संभाव्य भविष्यत काल होगा आंसर। नेक्स्ट कह रहा है काल के किस रूप से हेतु हेतु मध काल नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान काल में हेतु हेतु मध काल नहीं होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वह कल आएगा तो मैं जाऊंगा, सिंपल बात है कि आने वाले समय में दो क्रिया का, वह कल आएगा तो मैं जाऊंगा, दो क्रिया है, एक काम किसी दूसरे पर निर्भर है, आने वाले समय का बोध करा रहा है, तो हेतु हेतु मध भूतकाल तो नहीं होगा, हेतु हेतु मध क्या होगा, भविष्यत काल। यहाँ पर गलती लिखा गया है, भविष्यत, ठीक है ना, भविष्यत काल आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि वह स्कूल जाना, यह क्रिया को आसन भूतकाल में परिवर्तित करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई साहब, याद रखिए। कह रहा है क्या कि यहाँ जो जाना जो क्रिया है ना, ये मूल रूप में अपने हैं, ठीक है ना, यहाँ पर। अब इस क्रिया को हमको किस में बदलना है, आसन भूतकाल में। तो आसन भूतकाल में क्या था, या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, याद रखिए, ये याद रखिएगा तभी बन पाएगा। तो क्या होगा, जाना से या तो होगा गया, मतलब गया है, जा चुका है, जा चुके हैं, जा चुकी है, इस तरह की बातें हो सकती है। तो ऑप्शन इसमें देखिए, ठीक है ना, कह रहा है कि जा रहा था तो रहा था रही थी होगा नहीं, जा चुका था तो था थी होगा नहीं, जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, ठीक है ना। तो आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आ है, ई है, ए है, या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब लगा रहता है। कह रहा है कि मंजू पत्र लिख, इस क्रिया को अपूर्ण भूतकाल, तो अपूर्ण भूतकाल में देखिए रहा थी, मतलब रहे थे, रहे थे रही थी, रहे थे, रहा था, इस तरह की जो क्रियाएं के अंत में, मतलब क्रिया के अंत में लगा रहेगा उसे हम कहेंगे अपूर्ण भूतकाल, ठीक है ना। तो लिखती थी ये नहीं होगा, लिख रहे थे, मंजू पत्र लिख रहे थे, तो यो गलत हो जाएगा, उसके हिसाब से हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर लिंगे नहीं मैच कर रहा है। लिखे थे, मंजू पत्र लिखे थे, ये भी गलत हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल कह रहा है, वह लिख चुके हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिख रहे थे, मंजू पत्र लिख रही थी होगा, यहाँ गलती लिखा गया है, मंजू पत्र लिख रही थी, आंसर सी होगा, लेकिन इसमें थे को थी बनाना होगा। कहेगा वे लोग दिल्ली में रहना, इस क्रिया को संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल में सोचिए,
तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा, संभावना का बोध कराएगा, ठीक है ना, यहाँ पर अनुमान का बोध कराएगा। तो यहाँ पर अनुमान का बोध कराएगा तो वर्तमान समय में किसी क्रिया के होने का अनुमान कराएगा, वह रह रहा होगा, रह रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की यहाँ पर क्या होगा, रहना से ऑप्शन देखिए, रह रहा हो, रहता होगा, रह चुका हो, रहेगा, तो रहेगा तो होगा नहीं, रह चुका हो, होगा नहीं। यहाँ पर देखिए दो हो रहा है कि रह रहा हो, वे लोग दिल्ली में रह रहा हो, रहता होगा, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर लास्ट में होगा होगी होंगे लगा है, बात समझे कि नहीं। यहाँ पर रह रहा हो, यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए तो फिर यहाँ पर भी डाउटफुल हो जाएगा, लेकिन आपका आंसर बी सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना, बच्चे को बताने के लिए, आंसर बी सही होगा। कह रहा क्या, मैं घर आना, इस क्रिया का तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है ना। मैं घर आ रहा हूँ, आंसर तो यही हो जाएगा, चुका है, नहीं होगा, आता है, नहीं होगा, आता हूँ, नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये मैं घर आ रहा हूँ, यही ना तात्कालिक वर्तमान काल यानी अपूर्ण वर्तमान काल है। देखिए तो बस इतना ही आज, देखिए हम लोग इसमें कवर कर चुके पूरे काल को, हम लोग काल खत्म किए, उससे रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी खत्म किए। अब आज आपके, अब इसके बाद आपको काल से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो वीडियो अच्छा अगर लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए भाई साहब, और जो अगर वीडियो में कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, नहीं कुछ अच्छा लगा हो वो भी कमेंट कीजिए, ताकि उस चीज़ों को हम थोड़ा सा कंसिडर करें, उस चीज़ को सुधारें, ठीक है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।